नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल। मधुरवन नाम का एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। एक रात की बात है, एक अजीब सी चिड़िया जंगल में आई और उसके पास बहुत सारी नेल पॉलिश थी। जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, वो जोरों से बोलने लगी, नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, लाल लाल नेल पॉलिश, नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश। लाली चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोई थी। नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल की आवाज से उसकी नींद खुल गई और वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी तो उसे एक नेल पॉलिश बेचने वाली अजीब सी चिड़िया दिखी। अजी सुनते हो? अरे बाबा उठो ना। लाली तू पागल हो गई है क्या? क्या खामखा जगा रही है मुझे इतनी रात को? अरे बात ही कुछ ऐसी है कि देखते ही तुम खुद पागल हो जाओगे, उठो भी। ओफो क्या है, बोलो ना फटाफट। तभी चुड़ैल चिड़िया की आवाज लाला लाली के कान पर पड़ती है, नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, लाल लाल नेल पॉलिश। ओफो ये कौन सी पागल चिड़िया है जो आधी रात को नेल पॉलिश बेच रही है? पता नहीं जी, लेकिन दिखने में जरा अजीब सी लगती है। ऐसा क्या, आओ जरा मैं भी देखता हूँ। लाला चिड़िया खिड़की में से बाहर देखता है तो उसे भी वो अजीब सी चिड़िया दिखती है। अरे लाली ये तो बड़ी अजीब सी बदसूरत दिख रही है, मुझे तो ये हमारे जंगल की नहीं लग रही है। हाँ जी मैंने भी इसे आज पहली बार ही देखा है। मैं क्या कहती हूँ हम एक बार बाहर जाकर इसे पूछ लेते हैं कि आखिर इतनी रात को वो यहाँ क्यों आई है। ऐसा भी हो सकता है कि बेचारी रास्ता भटक गई हो। अरे बेवकूफ चिड़िया तू पागल हो गई है क्या? अभी इसमें क्या पागलपन और बेवकूफी है जी, दूसरों की मदद करना क्या गलत बात है? अरे मेरी माने तो बाहर मत जा, मुझे तो ये चोर लगती है या फिर होगी कोई सरफरी पागल, हमें उससे क्या मतलब, जाने दे उसे जहाँ जाना है, तू सो जा। लेकिन मैं क्या कहती हूँ? तू कुछ मत कह, अपना दिमाग मत लड़ा और सो जा। लाली चिड़िया लाला चीड़े पर गुस्सा होकर सो गई। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर वो अजीब नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल थोड़ा आगे कालू कौवे के घर के सामने जाकर चिल्लाने लगी, नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, लाल लाल नेल पॉलिश, नेल पॉलिश ले लो। अरे ओ सुनो जी। क्या है री? अरे बाहर कोई नेल पॉलिश बेचने वाली अजीब सी चिड़िया आई है, आप उठकर देखो तो सही। क्या इतनी रात को नेल पॉलिश कैसे बेच सकता है कोई? जरूर तेरे जैसी पागल होगी। अभी तो बड़ी नींद आ रही थी तुम्हें। नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, लाल लाल नेल पॉलिश, नेल पॉलिश ले लो। कालू कौवा और वसुंधरी कौवी खिड़की से बाहर देखते हैं तो वो अजीब सी चिड़िया उनकी तरफ ही आती है और बोलती है, अरे ओ कौवी भाभी नेल पॉलिश ले लो, सस्ते में दूंगी। अरे नेल पॉलिश रहने दो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और आधी रात को ऐसे नेल पॉलिश करके सारे जंगल को क्यों जगा रही हो? जी भाभी मैं एक गरीब चिड़िया हूँ, नेल पॉलिश बेचकर अपना गुजारा करती हूँ, पर बहुत दिनों से कोई भी मेरी नेल पॉलिश खरीद ही नहीं रहा है तो मेरा गुजारा कैसे होगा, इसलिए मैं रात को नेल पॉलिश बेचने लगी। सोचा अगर रात को नेल पॉलिश बेचूंगी तो किसी न किसी को दया आएगी और मेरी नेल पॉलिश बिकेगी। कालू कौवा और वसुंधरी कौवी उस नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल की बातों में आते हैं और दोनों दरवाजा खोलकर नेल पॉलिश खरीदने के लिए बाहर आते हैं। दिखाओ
कैसी कैसी नेल पॉलिश है तुम्हारे पास? जी भाभी, ये देखिए, ये गुलाबी, ये पीली और ये सबसे खास लाल नेल पॉलिश, ये आप पर बड़ी सुंदर लगेगी। सच में? तो फिर मुझे यही लाल वाली ही नेल पॉलिश चाहिए। हाँ, देती हूँ, पहले थोड़ी लगा कर तो देखिए कैसी दिखती है। हाँ ठीक है ठीक है, लाओ यहाँ, लगा कर देखती हूँ। वसुंधरी कव्वी ने जैसे ही वो लाल वाली नेल पॉलिश लगाई, वो एकदम डरावनी भयानक चुड़ैल बन गई और उसका आकार बहुत छोटा हो गया। वो नेल पॉलिश वाली चुड़ैल जोरों से हंसने लगी और उसने एक चुड़ैल का रूप धारण किया। अपने पंख के नीचे से उस चुड़ैल ने एक पोटली निकाली और वसुंधरी कव्वी चुड़ैल को उस पोटली में कैद किया। आज तो मेरे आका बड़े ही खुश होंगे मुझ पे। आखिर पहली बार किसी कौवे का मांस खाने को मिलेगा उन्हें। फिर वो मुझे और शक्तियाँ देंगे। नेल पॉलिश बेचने वाली उस अजीब चुड़ैल चिड़िया के डरावने भयानक तेवर देखते ही कालू कौवा अपनी बहादुरी से वहाँ से चुपचाप भागा और सारे जंगल वासी पंछियों को उठाकर उसने पूरी कहानी बताई। इधर नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल चिड़िया कालू कौवे को ढूंढने लगी। अरे, वो कौवे का पति कौवा कहाँ गया? उसे मैं खा लेती, मुझे भी तो बहुत भूख लगी है। ए कौवे, कहाँ छुपा है रे तू? चल बाहर निकल। कहाँ गया बेवकूफ, लगता है भाग गया। कैसे बेवकूफ बनाया उन कौवा कौवी को। चलो, आज मेरे आका को कौवी खाकर बहुत खुशी होगी और मुझे और शक्तियाँ मिलेगी। दूसरे दिन जंगल में सभी पंछी जमा होते हैं। कालू कौवा तो बहुत ही डरा हुआ था। उसने चील मुखिया से कहा, चील मुखिया जी, मेरी वसुंधरी को अब मैं कहाँ ढूंढूं? ये क्या हुआ मेरे साथ? कालू भाई, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। आंसू बहाने से अब क्या फायदा? अब आगे से ऐसा ना हो, इसकी हमें खबरदारी बरतनी होगी। हाँ भाई, मीनू मौसी ठीक कह रही है, हमें जल्द ही कुछ उपाय करना चाहिए। आप सब मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, तब तक मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, जब तक हम इस समस्या का उपाय नहीं ढूंढते, तब तक जंगल का कोई पक्षी रात को घर से बाहर नहीं रहेगा। जी मुखिया जी, हम में से कोई भी रात को बाहर नहीं निकलेगा। सारे पंछी अपने अपने घर चले जाते हैं। नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश। अरे लाली, सुनती हो? क्या है जी, मुझे बड़ी नींद आ रही है, सोने दो ना। अरे उठ जल्दी। क्या है जी? अरे जरा बाहर तो देख कौन आया है। साफ साफ बताओ जी कौन है। अरे देख तो सही एक बार उठकर, तेरी सहेली आई है तुझे नेल पॉलिश देने। क्या अजी, ये क्या मजाक करने का वक्त है? नेल पॉलिश ले लो, नेल पॉलिश, लाल लाल नेल पॉलिश। हे भगवान, ये मनहूस चुड़ैल तो हमारे ही घर क्यों आती है बार बार? दूसरा घर नहीं दिखता क्या उसको? रिश्तेदार होगी तुम्हारी। बहुत मजाक हो गया अब बस, नहीं तो मैं सच में बाहर जाऊंगी और नेल पॉलिश लगाकर चुड़ैल बनूंगी और पहले तुमको ही खाऊंगी। दरवाजा खोलो भाभी, दरवाजा खोलो। अब क्या होगा? हमें किसी भी हालत में दरवाजा नहीं खोलना है। पर दरवाजा तो मैं रात को ताला लगाना ही भूल गई अंदर से। हे भगवान, अरे बेवकूफ चिड़िया, एक तो तू ताला लगाना भूल गई, ऊपर से इतनी जोर से बोल के पूरे जंगल को बता देगी क्या? लाली की बात सुनकर
चुड़ैल चिड़िया ने दरवाजा खोल दिया और अंदर आई। वो लाली चिड़िया को बोली, चल मेरी प्यारी चिड़िया, ये लाल नेल पॉलिश लगा। ना, 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कोई नेल पॉलिश। नेल पॉलिश तो तुझे लगानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ। तुझे तो मैं नेल पॉलिश लगा कर ही रहूंगी। आखिर डरावनी नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल ने बेचारी लाली चिड़िया को पकड़ ही लिया। लाला चीरा तो डर के मारे चुपके से वहाँ से दुम दबा के भाग गया। नेल पॉलिश बेचने वाली चुड़ैल चिड़िया ने लाली चिड़िया को पकड़ा और वो उसे नेल पॉलिश लगाने ही वाली थी कि अचानक वहाँ चील मुखिया एक तांत्रिक चीरे को लेकर आए और उस तांत्रिक चीरे ने अपने मंत्र पढ़ के चुड़ैल को भस्म किया और लाली चिड़िया की और जंगल के सभी पंछियों की जान बचाई।